और डीएसपी दोनों का हाथ है। मेरे भाई को जान मार दिया, मेरे भाई पासी नहीं लगाया, मेरे भाई को जान मारा गया है, मर्डर किया गया है। भैया बोले थे हम कंप्लेन कर देंगे, ऐसे सर से यही चलते मार दिया इन लोग। भागलपुर में सार्जेंट की पद पर तैनात जवान का शव गया पहुंचते ही कोहराम मच गया। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। जिले के चिरकी थाना क्षेत्र के चमड़ी गांव निवासी 28 वर्षीय अभिषेक कुमार का शव गांव पहुंचते ही लोग आक्रोशित हो गए। लोगों ने शव के साथ चिरकी मुख्य सड़क मार्ग के वायरलेस गांव के समीप सड़क जाम कर दिया, साथ ही आगजनी कर प्रदर्शन करने लगे। गौरतलब है कि अभिषेक कुमार भागलपुर के पुलिस लाइन में सार्जेंट के पद पर तैनात थे। आज उनका शव गया पहुंचा, जिसके बाद परिजन व स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। लोग पूरे मामले की जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। इस संबंध में मृतक के छोटे भाई विवेक कुमार ने बताया कि कल फोन पर हमें यह जानकारी भागलपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा दी गई कि अभिषेक की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जिसके बाद हम लोग वहां पहुंचे, तब वहां मौजूद भागलपुर के पुलिस कर्मियों ने बताया कि अभिषेक ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने कहा कि अभिषेक कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकता। वो फोन पर भी लगातार जानकारी दे रहा था कि पुलिस लाइन के डीएसपी व मुंशी फर्जी कागजात पर जबरन हस्ताक्षर करने का दबाव बना रहे हैं। दो दिन पहले अभिषेक ने बताया था कि यह हमें पता चली है कि हमारा फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कई कागजात पर हस्ताक्षर किया गया है। उसने डीएसपी और मुंशी को ये हिदायत दी कि वो पूरे मामले की जानकारी भागलपुर के एसएसपी को देगा। संभवतः इसी से नाराज उक्त पुलिस कर्मियों ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी है। जो व्यक्ति आत्महत्या करेगा उसका हाथ भला कैसे टूट सकता है। जब हम लोग वहां पहुंचे तब उसका हाथ टूटा हुआ था, शरीर पर भी कई जगह जख्म के निशान थे। उन्होंने कहा कि हम पूरे मामले की जांच कर दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग करते हैं। और डीएसपी दोनों का हाथ है। मेरे भाई को जान मार दिया, मेरे भाई पासी नहीं लगाया, मेरे भाई को जान मारा गया है, मर्डर किया गया है। भैया बोले थे हम कंप्लेन कर देंगे, ऐसे सर से यही चलते मार दिया इन लोग। भैया को फर्जी साइन उन लोग कॉपी कर लिया था, बार बार ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहा था। बाद में पता चला तो भैया के दो दिन पहले पता चला है कि मेरा फर्जी साइन उन लोग बना लिया है। कौन बनाया था? मुंशी और डीएसपी का भी, लाइन डीएसपी का भी आता है। ये कहाँ पदस्थापित थे? भागलपुर में। किस पद पर थे? सार्जेंट थे। तो कैसे आप लोगों को क्या जानकारी मिली कि क्या हुआ? वहाँ से फोन आया कि जल्दी चले आइए, उनका तबीयत कैसे खराब है। तो गए तो क्या वहाँ पर? वहाँ जाने के बाद वहाँ एक और आदमी था, वो फोन कर दिया कि आपका भाई को फांसी लगा लिए हैं। वहाँ जाने के बाद तो आप बोले थे दो दिन पहले कि मुंशी मुझको बहुत तंग कर रहा, कहता है कि तुमको पता, तुमको एसएसपी तक नहीं पहुंचने देंगे कंप्लेन करने। उसका नाम बताया था मुंशी? अर्जुन नाम है उसका। तो आप लोग गए तो मतलब क्या शरीर पर निशान वगैरह थे? कैसे टूटा हुआ था? हाँ, तो ऐसे मुड़ाया हुआ था, जबकि हाथ फौज होता है हाथी में। वहीं स्थानीय महेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि अभिषेक बहुत ही सरल स्वभाव का लड़का था। दो साल पहले उसकी नौकरी सार्जेंट के पद पर लगी थी। उसकी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन वहां के पुलिसकर्मी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उसकी हत्या को आत्महत्या बता रहे हैं। हम मांग करते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। सरकार के द्वारा भी पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। मेरा भी लड़का था, घर में दूसरा भी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था, उचित न्याय मिलना चाहिए। पुलिस अपना नाकामी छुपाने के चलते किसी पर दोष मढ़ दे के आत्महत्या कर लिया, तो गलत बात है। अभी आप लोग सड़क जाम किए हुए हैं तो किसी पदाधिकारी को भी बुला? अधिकारी सीनियर एस पी साहब आए हैं, डीएम साहब आए हैं अपने। क्या मांग रखे हैं? मांग रखे हैं उनका परिवार को, वो माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, जो परिवार है, भाई है, उसका कुछ मिलना चाहिए। मामले की जाँच होनी चाहिए? मामले की जाँच होनी चाहिए। ऐसा तो भाई घर का भी कोई मत नहीं था कि वो शादी शुदा रहता है, तो पति पत्नी भी झगड़ा हुआ कुछ करता है। पुलिस लाइन में तैनात वाहन कुसांग प्रभारी अभिषेक कुमार ने पंखे से बिजली के तार का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं मामले को लेकर मृतक अभिषेक के भाई विवेक ने बताया कि मेरे भैया अच्छे इंसान थे, मगर एमटी विभाग के मुंशी और दो तीन चालक फर्जी चालान पर दस्तखत करवाकर पैसे का भुगतान ले लेते थे। इन्हीं लोगों की वजह से भैया परेशान रहा करते थे। उन्होंने कई बार इसकी शिकायत वरीय अधिकारियों से की थी, मगर कोई जांच आदि नहीं की गई। विभाग की संवेदनहीनता से मेरे भाई की जान चली
दी गई। वहीं मामले को लेकर आज एसएसपी आनंद कुमार ने अपने कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। समझ में नहीं आता कि आत्महत्या जैसा कदम उन्होंने क्यों उठाया। अभिषेक का मोबाइल एफएसएल की टीम को जांच के लिए दिया गया है। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड से भी बहुत कुछ साफ होगा। उनके साथ रहने वाली पुलिस टीम से पूछताछ की जा रही है कि उनका पिछले कई दिनों से किस तरह का व्यवहार था। परिजनों के आरोप के आधार पर एक सिपाही के खिलाफ एसआईटी ने जांच भी शुरू कर दी है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वार्ता जो कल एसएसटी थाने में एक परिचारी थे जिनका शव उनके कमरे में मिला, तो संदर्भ में आयोजित की गई। कुछ बिंदु हैं जिन पर मैं आप लोग से बात करना चाहूँगा। इस पूरे मामले की जाँच के लिए सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक एसआईटी बनी है जो इस पूरे मामले का जो आपराधिक कोण है उस पर जांच कर रही है। कल जब ये घटना प्रकाश में आई तो वहाँ पे पुलिस उप महानिदेशक महोदय एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया। एफएसएल की टीम भी आई और उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और उन्होंने जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी उसके आधार पर यह घटना आत्महत्या की है। लेकिन कल रात में इसका पोस्टमार्टम हुआ है और हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि घटना हत्या है या आत्महत्या है। और अगर आत्महत्या की बात करें तो उसमें भी कुछ एंगल सामने आए हैं। एक तो परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया है एक सिपाही के ऊपर, तो उससे हमारी जो एसआईटी है उसके द्वारा पूछताछ की जा रही है। और उनके जो मोबाइल थे उनको खंगालने के उपरांत भी कुछ एक नंबर था जिससे लगातार उनकी बात हो रही थी और जिस दिन रात में घटना हुई है उस नंबर से उन्होंने बात करने का प्रयास आखिरी वक्त तक किया लेकिन उनकी बात नहीं हो पाई। तो उस बिंदु पर भी जो एसआईटी है, दोनों बिंदुओं पर एसआईटी जांच कर रही है और उस पर जो भी साक्ष्य आएंगे तो साक्ष्य अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ परिजनों ने आरोप लगाया है कि जो एमटी सेक्शन है उसमें कुछ गड़बड़ी का आरोप लगाया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे पुलिस विभाग में जितने भी बिल्स निकलते हैं सभी बिल्स की वार्षिक अंकेक्षण जो महालेखाकार है भारत सरकार का एक बड़ा विभाग है उनके द्वारा वार्षिक उनकी जो ऑडिट टीम आती है और वो एक एक बिल की पड़ताल करती है। फिर भी जो आरोप लगाए हैं इसके मद्देनज़र हम लोगों ने एक आंतरिक आक्षेपण कमेटी बनाई है जो कि श्री कैलाश प्रसाद जो कि बिहार पुलिस सेवा के शीर्ष स्तर के पदाधिकारी हैं और यहाँ पुलिस उपाधीक्षक हेडक्वार्टर वन के पद पर पदस्थापित हैं उनके नेतृत्व में एक टीम बनी है जो कि पिछले 6 माह में जितनी भी उस शाखा में जितने भी बिल्स निकले हैं उन सारे बिल की गहनता से और सूक्ष्मता से जाँच करेगी और अगर कुछ उसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है किसी भी स्तर पर तो उनको चिन्हित करके उनकी जिम्मेदारी तय करके उस पर कार्रवाई की जाए। एसआईटी अपना काम कर रही है और मुझे लगता है कि आने वाले एकाक दिन में एसआईटी किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी ये मामला क्या था और इस मामले के पीछे कौन दोषी है। इस पूरे चीज़ों की जांच के लिए जो हमारी जो इंटरनल ऑडिट कमेटी हमने बनाई है वो सारी चीज़ों की जांच करेगी, ठीक है ना, और उसमें अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। और ये जांच वार्षिक स्तर पे होती है महालेखाकार के द्वारा, ये इस साल भी होगा लेकिन उसके पहले हम लोग अपने इंटरनल ऑडिट करा के चीज़ों को एक बार देख लेते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं। केस दर्ज हो गया सर इसमें? हाँ, इसमें जो परिजन है उनके बयान पर कांड दर्ज किया गया है। कोई नेम भी है? एक नेम है, उनके एक सिपाही पर नेम किया गया है, अन्य लोगों के अज्ञात। उन्होंने हत्या का आरोप लगाया है और हम लोग जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका इंतजार कर रहे हैं। आज संभवतः तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाएगी तो हत्या के मतलब जैसे मौत हुई मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल जाएगा। हालांकि जो एफएसएल की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बोला था कि ये आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। किस धारा में सर केस दर्ज किया गया? केस 302 और अन्य धाराओं में दर्ज किया गया। सर किस पर नामजद बनाया गया है? सिपाही है? हाँ, एक सिपाही है अर्जुन उसका नाम है, तो उसको नामजद करते हुए और 3-4 अन्य लोगों का अज्ञात के विरुद्ध उन्होंने किया कांड दर्ज किया। सिपाही सर वो विभाग से जुड़े उसी विभाग? हाँ, सिपाही है तो विभाग से ही है और पूछताछ हो रही है। हाँ, पूछताछ हो रही है और अन्य लगभग 4-5 और लोगों से इस पूरे मसले पर पूछताछ चल रही है। एसआईटी के द्वारा लगातार कल से पूछताछ चल रही है तो उसमें जो भी अग्रतर
साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये सर मान सकते हैं कि सिपाही को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है? हिरासत में नहीं कहेंगे, पूछताछ हो रही है, अभी पूछताछ हो रही है, साक्ष्य अनुसार कार्रवाई होगी। परवाह मिलने पर जेल जा सकते हैं? बिल्कुल, जिस पे भी दोष सिद्ध होगा, साक्ष्य आएंगे, उस पर कार्रवाई होगी। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे बांका का युवक वीरेंद्र किस्कू टनल से 17वें दिन बाहर निकलने के बाद उसके घर परिवार एवं गांव में खुशी का माहौल है। वीरेंद्र की मां सुषमा किस्कू ने मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की और गांव समाज के घरों में मिठाइयां बांटी। बता दें वीरेंद्र किस्कू उत्तरकाशी टनल में फंसे हुए 17वां दिन बाहर निकला, जिससे गांव समाज परिवार में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। उसकी मां सुषमा किस्कू ने बताया कि वीरेंद्र किस्कू टनल में फंसने से हम लोग काफी दुखी थे और हमारे घर में दीपक नहीं जला, दीपावली गई, छठ पूजा गया, हम लोग चिंतित थे, जैसे ही मेरा बेटा बाहर निकला हम लोग काफी खुश हैं, जैसे ही बेटा घर आएगा हम उसी दिन वीरेंद्र को माला पहनाकर घर में दीपक जलाकर दिवाली मनाएंगे। इस खुशी के साथ वीरेंद्र किस्कू की मां ने प्रधानमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और टनल पर जुटे कर्मियों, मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और खुशी जाहिर की। हमारा वीरेंद्र आ जाता है लड़का तो हम दिवाली मनाएंगे, यानी दीपावली में दीप भी नहीं जलाया जी। और ये छठ पर्व जो होता है वो तो हम लोगों का नहीं होता है। लेकिन आज काफी खुशी है जी सर, मैं आज बहुत खुश हूँ। आज अब दीप कब जलाइएगा? दीप हमारा लड़का आज आते हैं ना, हाँ। तो मैं वही दिन उसका माला उला पहना के हाथ पर धोवा के बिंदर ले जाएंगे और हम सभी मिलके दीप जलाएंगे। मैं रोज दिन भगवान से प्रार्थना करती थी, मैं अपने बेटे के लिए रात में 7:30 बजे बैठते थे, 9 बजे उठते थे प्रार्थना करके। और हमारे जो हम अभी ईसाई लोग हैं, हमारे जो ईसाई भाई लोग हैं, सारा को मैं यही बोली थी कि प्रार्थना कीजिए, और लोग सभी ने मिलके प्रार्थना किया और हमारी प्रार्थना जो है भगवान सुन लिए और सही सलामत जो है हमारा बेटा सुरंग से निकल गया। हम अभी बहुत खुश हैं। देखिए आज हम गांव घर में उसके लिए जो है मिठाई बांटे हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी और आपका माननीय प्रधानमंत्री और बाहर से जो टीम लोग आए हुए थे जोर शोर से काम में लगे और बहुत अच्छी तरह काम किए, और जितने भी मशीन लगा था फेल हो गया, चूहा के जैसा खोद खोद के हमारा बेटा को निकाला है। इसलिए मैं भारत सरकार को भी बहुत धन्यवाद दूंगी और जितने भी नेता लोग हैं सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और बताइए, आपके बेटे वीरेंद्र जी से बात हो पाई है? जी सर, मेरा वीरेंद्र से 2 बार बात हुआ है, रात में 1 बार हुआ। अच्छा। और अभी 2 बार बात। अभी कहाँ, किस स्थिति में? अभी बहुत अच्छे हैं, अभी हमसे जो है आधार कार्ड मंगा, मम्मी व्हाट्सअप कर दीजिए। अच्छा, हॉस्पिटल में मंगा? हॉस्पिटल में। कौन कौन है उनके साथ? उनके साथ उसका भाई है और पत्नी भी? पत्नी वहाँ नहीं है। अच्छा। अभी ये जो है डेरे में है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा हेम्ब्रम है। धन्यवाद। भागलपुर के एसएसपी कार्यालय के पास एक महिला काफी लाचार और रोती बिलखती नजर आई। उसके हाथ में एक फोटो था जिसे लेकर वो दर बदर भटक रही थी। बेगूसराय की मीनू देवी ने नीतीश कुमार नाम के युवक से 7 वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था, जिससे परिवार वालों की नाराजगी थी। बावजूद उसके दोनों एक साथ 7 साल रहे थे, लेकिन अचानक कुछ दिनों से उनके पति का फोन बंद आ रहा है और वो काफी परेशान है, जिसको लेकर वो काफी घबराई हुई दिखी और पत्रकारों से बात करते उन्होंने कहा
कहा कि मेरे पति के नानी का फोन आया है। उन्होंने कहा कि उनके माँ का देहांत हो गया है, जिसको लेकर वो अपने घर निकले हैं, लेकिन वापस मेरे पास अभी तक नहीं आए। जब मैंने पता लगाना शुरू किया तो पता चला कि पति को मेरे से अलग करने की साजिश थी, जिसको लेकर न्याय की गुहार लगाने के लिए एसएसपी आनंद कुमार के पास पहुंची हूं। साथ ही लाचार व बेबस बेगूसराय की रहने वाली मीनू देवी ने बताया कि मेरे पति से मेरी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, परिवार वाले नहीं चाहते कि हम उनके साथ रहें। अब हमने एक दूसरे के साथ 7 साल बिताया है। उनकी नानी का कहना है कि मेरे पति की शादी वो कहीं और कर रहे हैं, यह कहां तक सही है? अगर मेरे पति मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मैं कहां जाऊंगी, कैसे पूरा जीवन निर्वहन करूंगी? नानी फोन करा कि मेरा मम्मी मर गया। भागलपुर क्यों आए? हम आए यहां न्याय मांगने, मेरा पति मेरा पति से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, उसके परिवार वाला हमें नहीं चाहता है। पति कहाँ चला गया आपका? वो गया है साहेबगंज झारखंड अपने नानी के पास, उसकी नानी फोन छीन लिया है, कह रहा दूसरा शादी कराएंगे, हम नहीं रखेंगे। मेरा पति तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रहा हम नहीं छोड़ेंगे। अभी कहाँ आए हैं? अभी हम आए यहाँ भागलपुर। किसके पास? अन्याय मांगने अपने पति को ढूंढने। क्या नाम हुआ आपका? मीनू देवी। कहाँ के रहने वाली है? बेगूसराय। कब शादी हुई? हो गया 7 साल हो गया। क्या किसके बीच अनबन हुआ है, कौन नहीं है? उसकी नानी है, उसकी मौसी और मम्मी, ये तीन के बीच हमारे विवाद चलता है। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता को लेकर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन भागलपुर के पदाधिकारियों का ततारपुर में एक अहम बैठक किया गया, जिसमें जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जैड हसन, उपाध्यक्ष शिशुपाल भारती, प्रवीण कुमार, सचिव मोहम्मद नसर आलम सहित संबंधित कई अधिकारी मौजूद थे। एसोसिएशन के अध्यक्ष जैड हसन ने कहा कि भागलपुर के ऐतिहासिक स्थल सैंडिस कंपाउंड में 24 एवं 25 दिसंबर को 25वां 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां जिला स्तर पर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, खो खो, कबड्डी सहित सभी प्रकार के खेल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। वहीं जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने का मौका मिलेगा। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन इकाई के उपाध्यक्ष शिशुपाल भारती ने भागलपुर एसोसिएशन द्वारा लगातार 24 वर्षों से खेल प्रतियोगिता का आयोजन लेकर भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में होने वाले 2 दिवसीय 25वां खेल प्रतियोगिता आयोजन लेकर एसोसिएशन इकाई के सभी पदाधिकारियों को जहां शुभकामनाएं एवं बधाई दी, वहीं सभी खेल खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर भागलपुर का नाम रोशन करने की अपील की। भागलपुर में चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे तकनीकी अनुसंधान को अन्य चिकित्सकों तक पहुंचाने के लिए 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। गौरतलब है कि भागलपुर में फॉक्सी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस क्रिटिकल केयर इनकोस्टेटिक और माइनेकोलॉजिकल समिति द्वारा 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को होटल वैभव में होने जा रहा है, जिसमें देश और विदेश के प्रख्यात चिकित्सक द्वारा व्याख्यान दिया जाएगा। इसको लेकर आज IMA बिल्डिंग में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान महिला चिकित्सक डॉक्टर रेखा झा ने दी। डॉक्टर रेखा झा ने बताया कि इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। यह कॉन्फ्रेंस भागलपुर के चिकित्सकों के लिए यादगार कॉन्फ्रेंस होगा। बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर संघ एवं राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच के संयुक्त तत्वाधान में अपनी मांग को लेकर बेल्ट्रॉन जिला इकाई भागलपुर के द्वारा 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें दर्जनों बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ एवं राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच के कर्मी मौजूद थे। उनकी एक ही मांग है कि हमारा सेवा समायोजन हो और किसी प्राइवेट कंपनी के तहत हमें कार्य नहीं कराया जाए।